हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं फिर से हिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों में से किसने झांसी के विद्रोह को दबाया था। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ झांसी। तो उसका आंसर है ह्यू रोज। अगला है, निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा नहीं है, मतलब कि बाकी के जितने भी नाम हैं वो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी वही है जिससे एनी बेसेंट बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इनमें से एनी बेसेंट है, देखिए यहाँ पे नाम दिया है, मैडम ब्लावात्स्की, इन्होंने तो फाउंड किया था, या शी हैज़ एस्टेब्लिश्ड थियोसोफिकल सोसाइटी। इसके अलावा कर्नल ऑकलॉट, ये तीनों ही इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन गोपाल गणेश आगरकर, ये थियोसोफिकल सोसाइटी से किसी तरीके से जुड़े नहीं थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल समाज को आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन की अच्छी समझ थी, सूचीबद्ध विकल्पों में कौन से पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। द थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाई द क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मॉस ऑफ द मुंडेन लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो इसका आंसर है मिस्टिक सुपरस्टिशन, रहस्यमयवादी अंधविश्वास इसका पार्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन दिव्यता, मुक्ति, आत्मज्ञान के साधन, डिवाइनिटी, सेल्वेशन, मीन्स ऑफ इनलाइटनमेंट, ये सारे उसके पार्ट थे, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला इसका पार्ट नहीं था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, रॉन्ग बताना है। थियोसोफिकल समाज में आर्य दर्शन और धर्म का प्रचार किया, तो ये सही है, ठीक है, ये थियोसोफिकल सोसाइटी का एक एम था, ठीक है। द थियोसोफिकल सोसाइटी प्रीच द आर्यन फिलॉसफी एंड रिलीजन। दूसरा, इनमें वेदों और उपनिषद को बहुत जोर दिया था, तो ये भी सही है। इट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन वेदास एंड उपनिषद्स। फिर इट कंसीडर्ड हिंदुइज्म टू बी द बेस्ट रिलीजन एंड द ओनली मीन्स टू अटेन सेल्वेशन। इन्होंने कहा हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना था, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना था। अगला, इसने सार्वभौमिक भाईचारे की का आह्वान किया था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए किया था, तो ये सही है। फिर है उपनिषदों ने जीवन के सार को प्रकट किया था, उपनिषद रिवील द एसेंस ऑफ लाइफ, तो ये सही हो जाता है। लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना था, इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्डिनल सिद्धांत नहीं किया जाता, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी नहीं कहा जाता, आपको बताना है, ठीक है। तो इसने उन प्राचीन दर्शनों पर प्रश्न उठाए जो भारतीय सोच पर हावी थे। इट क्वेश्चन द एंशियंट फिलोसफीज दैट डोमिनेटेड द इंडियन थिंकिंग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं किया था। बाकी जो है, एम्ड हिंदू स्पिरिचुअल विजडम थ्रू वेस्टर्न इनलाइटनमेंट, तो ये सही है। पश्चिमी ज्ञान दोए के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। यह ईश्वर और प्रत्येक प्राणी के बीच अद्वितीय संबंध के अस्तित्व में विश्वास रखता था, तो ये भी सही है। यह पुनर्जीवन और कर्म की संभावना में विश्वास करता था, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं था। अगला है, हेनरी विवियन डिरोजियो ने किस क्रांतिकारी विचारों की प्रेरणा से युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो थे, ये एक टीचर थे, ठीक है, और इन्होंने वहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट चालू किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस इवेंट से इन्होंने मोटिवेट होकर ऐसा किया था, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मोटिवेशन के बाद में यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो वो न्यू इंडिया था। आपको बताना है कि यंग इंडिया ये किसने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। पहला है, ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग होना चाहिए।
ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो ये तो इसमें था, ये सही है इसलिए गलत नहीं माना जाएगा। दूसरा, जिम्मेदार सरकार को केवल प्रगतिशील चरणों से ही साकार किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय प्रोग्रेसिव फेजेस। अगला है, प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। और आखिरी है, भारतीय सरकार के सचिव का वेतन भारत सरकार के राजस्व से लिया गया था। द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये चीज़ पहले हुआ करती थी और 1909 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उनकी सैलरी अब इंडियन यहाँ से विड्रॉ नहीं की जानी थी, ठीक है। तो 1909 में ये चीज़ बंद हो गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना ने होम रूल लीग के सृजन को प्रेरित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1918 के बीच में हुई थी, और 1914 के आसपास ही होम रूल लीग जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा लीडर जो था वो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप से रिलेटेड नहीं था। तो लोकमान तिलक, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट में माने जाते थे, लेकिन एओ हुयुम जो थे उनको नहीं माना जाता था। एओ हुयुम से रिलेटेड आपको एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम का एक हिस्सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, तो ये तो नहीं हुआ था 1919 में, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तुर्के चिल्हन गानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो है इमादुद्दीन रिहान। अगला है, कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा के तहत असहयोग आंदोलन पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कब अपनाया गया था। व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। तो वो 1920 में, जो सितंबर में एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया गया था उसके बाद में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सेशंस होते थे वो ज़्यादातर दिसंबर में होते थे, और अगर उसके पहले कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता था तो एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता था जो कि दिसंबर से हटके होता था। तो यहाँ सितंबर होगा, सितंबर में वो सेशन बुलाया गया था कैलकटा में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का सृजन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑर्गेनाइज स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया था। तो शुरुआत तो इसकी प्रोटेस्ट से हुई थी जो कि टर्की के अगेंस्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खिलाफत जो खलीफा था उसको हटा दिया गया था वहाँ से, ठीक है, टर्की में, इसलिए यहाँ के यहाँ पर उस इवेंट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, और फिर उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह मोल्ड कर दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाता है। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ सृजित की थी। वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा। तो इसका आंसर है ए, बॉम्बे। सत्याग्रह सभा कहाँ की थी, उन्होंने बॉम्बे में की थी। इसका आंसर ए हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मैच द फॉलोइंग में कौन सा गलत है। तो भगत सिंह मेरठ कॉन्स्पिरेसी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, फिर सूर्य सेन चित्तगांव आर्मनी रेड तो हुई थी इन्होंने, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापा, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद है न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन असहयोग आंदोलन के निलंबन का कारण था। सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रीज़न पूछा है, तो वो चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था।
फिर अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस तिकड़ी के नेताओं को लाल बाल पाल का रूप से जाना जाता है? लाल बाल पाल किनको कहते थे? ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहते थे। और आपको बताना है कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे या फिर मॉडरेट, नरम पंथ के थे या गरम पंथ के थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट जरूर करना है। अगला है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वागामी को, वास्तुशिल्प को किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज आइडेंटिफाइड एज द फॉरगोइंग ऑफ द फेमस सर्कुलर डोम्स ऑफ मुगल? तो उसको बीदर, बीदर कहते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी के ऐतिहासिक उपवास को समाप्त किया था? ठीक है, तो हिस्टोरिक फास्ट जो गांधी जी ने किया था 1932 के आसपास, तो वो पूना पैक्ट जब हुआ था तब उसको ख़त्म किया था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे रेमजी अवार्ड आया था। ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट डाउन करना है कि आपको पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता है तो मैं इस पर एक शॉर्ट बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। ठीक है, अगला, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। यह डोमिनियन स्टेटस का पक्षधार था, तो ये सही है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के लिए इन्होंने बात की थी इस रिपोर्ट के थ्रू। दूसरा था कि फेवर किया था फेडरल सिस्टम को, तो ये भी सही है, संघीय प्रणाली का पक्षधार था। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो ये भी सही है। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था। चौथा, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था, तो ऐसा कुछ भी इस रिपोर्ट में नहीं था। ठीक है, 1928 में ये रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। अगला, निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रमानुक्रमित क्रम का चयन कीजिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको। तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन, ठीक है, ये थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। दूसरा, सबमिशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो अभी बताया 1928 होगा। इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1930s के आसपास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि फर्स्ट के बाद थर्ड आना चाहिए और थर्ड के बाद में फोर्थ आना चाहिए, और यहाँ पर यही सीक्वेंस यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, सेकेंड जो है वो इन सब सारे इवेंट से पहले हुआ था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर आते हैं। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928? इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उसी के बाद से उनको सरदार की जो उपाधि मिली है वो मिली थी। तो पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ के साथ में एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये हिस्ट्री की भी एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है, जिसको कि आप बिल्कुल फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपका रिविज़न स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ एंड मोमेंट में इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल वीडियो को एक 1.5 की स्पीड से देखते रहेंगे अगर, तो आपका रिवीजन और अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इनकी पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। पीडीएफ्स लेने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।